हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ओके। आप लोग के क्लास 12th में जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत कम आते हैं बोर्ड्स में। तो अगर उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझना है ढंग से, तो उसके पहले हमें वेपर प्रेशर को समझना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। उसके पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ साथ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी सेम टॉपिक हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम बच्चों के लिए अवेलेबल है। और उसके वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक पड़ा हुआ है, आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे जाकर के देख सकते हैं अगर उन्हें प्रॉब्लम हो तो। अदरवाइज इंग्लिश में भी आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत जो है साधारण से इंग्लिश इसमें यूज होगी। वेपर प्रेशर, ठीक। वेपर प्रेशर से पहले एक टॉपिक समझते हैं हम, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, अच्छा, नाम से कुछ चीजें स्पष्ट हो जा रही हैं आप लोगों को। इवेपोरेशन क्या है? कोई भी लिक्विड है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, पर किस तरह से, ठीक है, यही चीज हमें समझनी है। वेपर प्रेशर से पहले हम लोग समझते हैं इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस क्या होता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड रखा हुआ है, और ये हमारे क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल, आपको पता है रैंडमली ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, इधर उधर जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं। जिगजैग मूवमेंट करने का मतलब क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है, इधर उधर जिगजैग रैंडमली मूव करते रहते हैं। रैंडमली मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन मॉलिक्यूल्स में कोलिजन भी होगा। पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल, पार्टिकल्स हैं तो उनमें कोलिजन भी होगा। कोलिजन होगा तो उनकी एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अच्छा, एनर्जी का जब एक्सचेंज होगा तो कुछ की एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी। कोलिजन के बाद, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, कोलिजन के बाद एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है तो कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल हमारे कहां पर आ जाते हैं, सरफेस पर। तो ये जो रेड कलर में आपको यहां पर नजर आ रहे हैं ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो इनर मॉलिक्यूल हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब, अब इसके बाद अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, अब वो क्या करते हैं कि सरफेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब इन्हें अगर थोड़ी सी भी एनर्जी कहीं से मिल जाए तो ये सरफेस छोड़ना शुरू कर देते हैं, सरफेस से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है ऐसे प्रोसेस जो अपने आप नेचुरली जो प्रोसेस होते रहते, कोई भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स अपने आप रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन का प्रोसेस। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कंटेनर की बात करें तो ये कंटेनर पूरी तरह से ओपन है, ओपन है तभी ये इवेपोरेशन का प्रोसेस हो पा रहा है, ठीक। ये कंटेनर ओपन है इसीलिए ये इवेपोरेशन का प्रोसेस हो पा रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। क्या होगा जब हम इस कंटेनर को क्लोज कर दें, ऊपर से ढक दें, तब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। कि इस कंटेनर को ऊपर से ढक दिया जाए तब क्या इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा या इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, देखते हैं। अब इस कंटेनर को जब ढक दिया गया है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, तो इसमें कोई टेम्परेचर हमने ना घटाया है ना बढ़ाया है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर यहां पर नहीं यूज किया गया है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमने यहां पर नहीं यूज किया है, ये अपने आप हो रहा है प्रोसेस, ठीक। तो इवेपोरेशन को इसलिए कहा भी जाता है कि कोई भी लिक्विड है अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है अपने आप, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट पर होगा तो उसे वेपराइजेशन कहा जाएगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में ही। अब इस कंटेनर को जब क्लोज कर दिया गया है तो जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे, जो मॉलिक्यूल हमारे वेपर में कन्वर्ट हो गए थे रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे,
ठीक है, zigzag मूवमेंट है, तो किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। ठीक, अब वो मूवमेंट तो होगा, पर वो मूवमेंट कहां होगा, इस पूरे सिस्टम के अंदर। ठीक, जैसे ओपन था हमारा पूरा कंटेनर, अब हमने क्लोज कर दिया है, तो इसको एक तरह से सिस्टम कहा जाएगा। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस पूरे सिस्टम के अंदर ही रहेंगे, वेपर स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी। ऐसा नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर में कहीं निकल जा रहे हैं। अच्छा, इवेपोरेशन क्या है? एक स्लो प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। इवेपोरेशन क्या है? एक स्लो प्रोसेस है। और क्लास इलेवेंथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो स्लो प्रोसेस होते हैं, स्लो स्टेप, जो जिनका रेट स्लो होता है, ऐसे रिएक्शंस दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल मतलब लिक्विड से वेपर अगर स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर अगर स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप इवेपोरेशन, तो वो क्या होता है? वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब वेपर से लिक्विड भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक, दैट मीन्स अगर इवेपोरेशन इवेपोरेशन हमारा हो रहा है, तो एट द सेम टाइम हमारा कंडेंसेशन कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक, शुरुआत में क्या होता है, क्लोज कंटेनर की मैं बात कर रहा हूं, क्लोज कंटेनर में शुरुआत में क्या होता है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो हमारी ज्यादा होती है। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ, जो स्पीड है इवेपोरेशन की, स्पीड है वो ज्यादा होती है। अच्छा, लिक्विड से वेपर में जा रहा है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाला रिएक्शन, और वेपर से लिक्विड जो बन रहा है उसे बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में होने वाला रिएक्शन। ओके, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो शुरुआत में क्या होती है कि लिक्विड से वेपर का बनना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाला जो हमारा रिएक्शन है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और वेपर से जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसकी स्पीड कम होती है। ठीक, जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, लिक्विड से वेपर बनने की स्पीड कम होती जाती है, वेपर से लिक्विड बनने की स्पीड बढ़ती जाती है। आफ्टर सम टाइम होता क्या है कि लिक्विड और वेपर के बनने के बीच एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जिस स्पीड से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। ध्यान से सुनिएगा, जिस स्पीड से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है उसी स्पीड से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो उस समय जो वेपर की जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। खुद सोचिए, मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट हुए और उसी समय 5 वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो इसकी कंसेंट्रेशन पर कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ता है। उस समय जो इस वेपर, इस लिक्विड के वेपर के द्वारा इसके सरफेस पर एक प्रेशर लगाया जाता है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। मतलब ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑफ लिक्विड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। मतलब जब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया हो, और ध्यान देने वाली बात क्या है, क्लोज कंटेनर, ओपन कंटेनर नहीं, ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर का कंसेप्ट नहीं आएगा, ये चीज दिमाग में अपने बैठा लेना है। ओपन कंटेनर में क्योंकि वेपर बनेगी नहीं, वेपर हमारी एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी, वेपर कहां बनेगी, क्लोज कंटेनर में वेपर हमारी उसी कंसेंट्रेशन हमारी सेम हो पाएगी। तो डेफिनेशन एक बार और रिपीट कर रहा हूं, द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑफ लिक्विड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम इन क्लोज कंटेनर, ध्यान देना, ठीक, इन क्लोज कंटेनर। तो ये होता है हमारा वेपर प्रेशर। क्लियर हो गई बात, वेपर प्रेशर क्लियर है। वेपर प्रेशर क्या होता है, उसी लिक्विड की वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर होता है। कब, कंडीशन क्या है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पर। ठीक, तो इसीलिए आपका इवेपोरेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ, वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमें देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। ठीक, एक सेकेंड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहला फैक्टर है आपका
सबसे पहला फैक्टर है। अच्छा केमिस्ट्री की एक चीज याद रखिएगा, कोई भी फैक्टर अगर किसी भी चीज के बारे में पूछा जाए तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है, आपको शायद ना दिख रहा हो यहां पर लिख रहा, टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो किसी न किसी तरह हर प्रोसेस को इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम टेम्परेचर अभी दूसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ दैट लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस पूरे वेपर प्रेशर के प्रोसेस में या इस वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट में है ये सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, पर मैंने एक बार भी सॉल्यूशन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अभी सॉल्यूशन से अभी हम लोग दूर है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, प्योर लिक्विड, मतलब सॉल्यूशन अभी नहीं बना है, ओके। नेचर ऑफ लिक्विड, अच्छा नेचर ऑफ लिक्विड होता क्या है, देखिए नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब हो गया, देखिए लिक्विड हमारे जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है वॉलेटाइल लिक्विड, एक होता है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या हो गया, वॉलेटाइल का मतलब हो गया ऐसे लिक्विड जो इजिली इवेपोरेट हो सके, ठीक, जैसे हमारा वाटर है H2O, इजिली इवेपोरेट हो जाता है, एल्कोहल आपका फेवरेट, इथेनॉल इजिली इवेपोरेट हो जाता है, इजिली इवेपोरेट मतलब आसानी से जो भाप में का मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और एक होते हैं जो हमारे नॉन वॉलेटाइल होते हैं, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स में ज्यादातर आते हैं, पर नॉन वॉलेटाइल जैसे कुछ ऑयल हो गया, ठीक है, आपका ऑयल के साथ साथ ये हमारा ग्लिसरीन हो गया, ठीक है, ऐसे जो लिक्विड्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट नॉन वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। तो ये नॉन वॉलेटाइल मतलब इजिली वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे, तो इनकी वेपर तो बनेगी ही नहीं। वॉलेटाइल लिक्विड की बात करें हम, तो वॉलेटाइल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वॉलेटाइल लिक्विड का वेपर ज्यादा बनता है, वॉलेटाइल लिक्विड का वेपर ज्यादा बनता है तो वॉलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है, क्लियर है। अच्छा कुछ वॉलेटाइल लिक्विड की बात करें हम, कुछ नॉन वॉलेटाइल की तो बात ही नहीं करनी हमें, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल वेपर बनाएगा ही नहीं, जब वेपर बनेगा नहीं तो वेपर प्रेशर उसका होगा नहीं। अब वॉलेटाइल लिक्विड की बात करें, वॉलेटाइल लिक्विड में ही हम देख लेते हैं, एक हमारा मान लीजिए H2O है, H2O है, फिर आपका इथेनॉल है, फॉर्मूला ही लिख देते हैं, और फिर आपका एक ईथर है, ईथर। अब H2O है, इथेनॉल है और ईथर है, ठीक, H2O इथेनॉल और ईथर। अब देखने वाली बात यह है कि H2O और इथेनॉल, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों के दोनों वॉलेटाइल लिक्विड हैं, पर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ध्यान से देखिएगा, H2O है और इथेनॉल है, इजिली इवेपोरेट कौन हो जाता है, ठीक है। अगर H2O की बात करेंगे तो H2O दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एक H2O दूसरे H2O के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे तौर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, H बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एक वाटर दूसरे वाटर के साथ एक स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बनाता है। अब कहोगे सर H बॉन्ड तो ये भी बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो इथेनॉल भी बनाता है, पर इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एक्सीडेंट होता है वो H2O के कंपेरिजन में कम होता है, तो इथेनॉल, अच्छा आप प्रैक्टिकली भी देखे होंगे कि इथेनॉल मतलब कोई भी अल्कोहल है या जो आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसमें 95% इथेनॉल होता है, आपके हाथ पर जैसे ही गिरता है तुरंत क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। अगर वाटर गिरा है इवेपोरेट वाटर भी होगा, पर थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब इवेपोरेशन किसका ज्यादा हो रहा है, किसका तेजी से हो रहा है, इथेनॉल का। लिक्विड से वेपर में जल्दी कौन कन्वर्ट होता है, इथेनॉल। लिक्विड से वेपर में जल्दी जब इथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है तो एट द सेम टेम्परेचर, मतलब फिजिकल कंडीशन को सेम रखा जाए तो इथेनॉल ज्यादा वेपर बनाएगा वाटर के कंपैरिजन में, और जब वेपर ज्यादा बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक, क्लियर हुई बात। ईथर की बात करें तो ईथर हमारा इथेनॉल से भी ज्यादा वेपर बनाएगा, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होता है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है पर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है, ठीक है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा होता ही नहीं, तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो वो हमारा इजीली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ज्यादा वेपर बनाता है, ज्यादा वेपर बनाने का मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर। तो पहला फैक्टर समझ में आ गया, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड जैसा होगा
वेपर प्रेशर उसका उसी लिक्विड पर डिपेंड करता है। लिक्विड बहुत गाढ़ा हो गया, गाढ़ा होने का मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब वो वेपर हमारा इजीली नहीं बना पाएंगे, और जब वेपर नहीं इजीली बना पाएंगे तो वेपर प्रेशर भी हमारा उतना स्ट्रांग नहीं होगा। दूसरा है हमारा टेम्परेचर, यही हमारा टेम्परेचर की बात कर रहे थे, टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो और इजीली और स्पीड से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो स्पीड है, मतलब लिक्विड से वेपर बनने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर बनेंगे, वेपर में मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वेपर प्रेशर भी हमारा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब वेपर की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और वेपर की कंसेंट्रेशन बढ़ने का मतलब वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये दो हमारे मेन फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है क्या, जिन पर हमारा डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। ठीक, अच्छा, वेपर प्रेशर इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यहां पर सिर्फ एक टाइप का लिक्विड है, एक टाइप का लिक्विड का मतलब प्योर लिक्विड, प्योर है, तो इसको हम लोग P0A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, P0A से, इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्वेंट को मैं A से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉल्यूट को B से, B का मतलब होगा इंप्योरिटी, फॉरेन सब्सटेंस, बाहरी सब्सटेंस जो A में मिक्स किया जाएगा, पर अभी कुछ भी नहीं मिलाया गया है, अभी हम प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रेशर है ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक, तो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग को सिर्फ एक ही चीज ध्यान देनी है कि अब जब हम इसमें कोई बी सब्सटेंस मतलब फॉरेन सब्सटेंस, कोई सॉल्यूट मिला करके इसको सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, तब हमारा वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, और वहीं से हमारा शुरुआत होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर से मैं बता देता हूं कि सेम टॉपिक हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए उसके लिए भी बनाया गया है, और उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।